दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। यह आप प्रेस देख रहे हैं, इस प्रेस के अंदर क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। ये एक मिस्त्री का प्रेस है, एक मिस्त्री हमारे पास लेकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि उनसे इसका थर्मोस्टेट सेट नहीं हो रहा। इसको हमने पहले खोल रखा है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए उन्होंने इसमें नया इसके अंदर डाल रखा है, नया थर्मोस्टेट चेंज किया है इसका ऊपर का। ये होता थर्मोस्टेट इसमें। ये प्लांचा मॉडल का प्रेस है, ये जो इस तरह का प्रेस होता है इसका मॉडल होता है प्लांचा, ठीक है। इसको प्लांचा मॉडल प्रेस बोलते हैं। अगर आपको कोई सामान इसका स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप मार्केट में जब जाएंगे लेने के लिए तो इसको बोलिए कि मुझे प्लांचा का हैंडल या प्लांचा का कोई भी स्पेयर पार्ट्स आपको लेना है, अब लेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये प्लांचा मॉडल का प्रेस है और इसका थर्मोस्टेट उन्होंने डाला है, आप देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट नया है। और लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, वर्किंग नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि ये इसको ये गर्म तो हो रहा है प्रेस, ठीक है, ये प्रेस गर्म हो रहा है, लेकिन जैसे ये ऑटो कट बंद हो जाता है, यानी कि ऑटो कट इसका काम करता है, यानी कि ये बंद हो जाता है और फिर ठंडा होने के बाद ये चलने लग जाना चाहिए। यानी कि इसका प्रेस का काम होता है, ऑटो कट का थर्मोस्टेट है, और थर्मोस्टेट ऑटो कट का काम होता है कि अगर आपकी प्रेस जब गर्म हो तेज हो जाए तो ये अपने आप बंद हो जाए, और फिर जब अपने लेवल पे आ जाए, ठंडे होने के लेवल पे आ जाए, ठंडा हो जाए, तो ये अपने आप ये चालू हो जाए, ठीक है। तो ये होता है प्रेस का थर्मोस्टेट का काम। लेकिन अभी इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, ये गर्म होता है, गर्म होकर के ये कट मार जाता है। कट मारने के बाद ये जैसे इसको चालू हो जाना चाहिए दोबारा, ये चालू नहीं होता है। चलिए इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ज़्यादा बताने से अच्छा यही है कि मैं आपको दिखा दूँ इसको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। चलिए इसके हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद मैं ये इसको गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन कैसे करना है आप देखिए, इसमें तीन घूटी होती है, तीन घूटी में से हमारा इसके ऊपर लगता है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक मेन हमारा इसके ऊपर लगता है जो कि ये डायरेक्ट एलिमेंट पे गया है, ये भी डायरेक्ट एलिमेंट पे गया है। एलिमेंट पे करंट आना आएगा तब ये हमारी एलईडी जलती है, इसकी एलईडी का जो बल्ब लगा है इंडिकेटर, ये तभी जलता है। अब हमें मेन लगाना है, इसके ऊपर मेन लगाना है और इस बीच वाले भी लगाना है, क्योंकि इस बीच से लेकर के अंदर से होकर थर्मोस्टेट से, ये थर्मोस्टेट के पॉइंट है, ये थर्मोस्टेट से होकर के ये इधर आया हुआ है, इस पॉइंट पर आती है करंट, ठीक है। यहाँ से देखिए ये थर्मोस्टेट यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ से नीचे से कनेक्ट हो करके फिर ये इधर से, देखिए ये अगर ध्यान से देख पाएंगे आप तो यहाँ पे एक तार आया हुआ है अंदर से, देखिए यहाँ से एक तार आया हुआ है इसके नीचे से वाली पत्ती का, तो इसके ऊपर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर करंट देंगे तो थर्मोस्टेट काम करेगा, तो हमारा इसके ऊपर करंट आ जाएगा, इंडिकेटर भी जलेगा और हमारा प्रेस भी गर्म होगा। अब क्या दिक्कत आ रही है चलिए इसके मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। इसका कनेक्शन करेंगे, एक मेन हम इसमें लगाएंगे जो कि ऊपर, आप जब कनेक्शन करोगे तब भी आपको ऐसे ही लगाना है, और एक मेन हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा मेन लग गया, और मेन लगाने से पहले आप लोग एक बार करंट चेक कर लेना, बॉडी शॉर्ट चेक कर लेना कि कहीं इसमें करंट तो नहीं आ रहा है, एलिमेंट वगैरह लगाया है या कुछ दिक्कत हो गई है तो करंट नहीं आ रहा कहीं। तो इसको आपको क्या करना है, तो अब हमारा ये सीरीज लैम्प जो कि टेम्परेरी था कभी, अब ये परमानेंट लगभग हो रहा है आप लोगों की सेवा के लिए। तो ये इस तरह से इसका करंट हम बॉडी चेक कर लेंगे कि बॉडी में कहीं करंट तो नहीं आ रहा, सारे पॉइंटों पे लगा करके हम देखेंगे, इस बॉडी से लगा के और इस सारे पॉइंट पे लगा देते हैं कहीं करंट तो नहीं है, क्योंकि हमें इसको छू करके इसको चेक करना है इस प्रेस को, ठीक है। तो इसमें करंट नहीं आ रहा है अभी, और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे मेन बोर्ड में। ये हमने मेन बोर्ड में लगा दिया इसको, देखिए ये गर्म हो रहा है अभी, ठीक है, ये प्रेस गर्म हो रही है, आपको मैं दिखाऊं नज़दीक, देखिए ये प्रेस गर्म हो रही है, अभी ये कट कर जाएगी। अब इंडिकेटर देखिएगा, देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है और ये प्रेस गर्म हो रही है, इसके थर्मोस्टेट अभी काम कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, थर्मोस्टेट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी इंडिकेटर बंद हो जाएगा, देखिए अब ये कट कर जाएगा, देखिए अब ये कट मार गया। कट मारने के बाद में इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि ये प्रेस अपने आप, अब ये होना ये चाहिए कि थोड़ी देर के बाद जब ये प्रेस ठंडा हो तो ये इसका ये जो थर्मोस्टेट है यहाँ पे आप देख रहे हैं,
ये थर्मोस्टेट की जो पिन है ये आपस में दोबारा से ये सट जानी चाहिए। अभी ये इसमें सटी नहीं है, ये दूर हो गई है यहाँ से, देखिए। अब ये हिलाया मैंने यहाँ से इसको, मैं इसको हिला रहा हूँ तब जा कर के ये इसमें स्पार्क कर रही है, लेकिन ये अपने आप ये प्रेस चालू हो जाना चाहिए 1 से 2 मिनट के अंदर, लेकिन ये चालू नहीं होती है। तो इसकी दिक्कत क्या है, इसके अंदर नया थर्मोस्टेट डाल दिया गया फिर भी इसके अंदर ये काम नहीं कर रहा अच्छे से, ये क्या आखिर परेशानी है दोस्तों, इसी के बारे में आपको बताऊंगा मैं, बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। देख सकते हैं इतना देर हो गया, अभी तक ये हमारा इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ। जब हम इसको ऑन करेंगे, इस तरह से जब ऑन करेंगे तो दोबारा से ये ऑन हो जाएगा, लेकिन ये इसकी प्रॉब्लम दोस्तों यही है कि ये कट तो कर जाता है लेकिन वापस जे आकर के इसको लगना चाहिए इसके ऊपर, इसके करंट शॉर्ट करना चाहिए, दोबारा से प्रेस गर्म होना चाहिए, ये गर्म नहीं होता। ये जो कट होता है तो कट होकर के बंद हो जाता है, ये उसके बाद ये दोबारा वापस नहीं लगता है। तो इसकी क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जिस भी भाई ने इसका ये थर्मोस्टेट चेंज किया है, ये नया डाला है, आप देख सकते हैं चमक रहा है ये पूरा, ठीक है, ये नया डाल रखा है थर्मोस्टेट। तो ये जिसने डाला है उसने क्या गलती किया है कि इसके नीचे इसके अंदर में यहाँ पे एक पत्ती होती है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, देख सकते हैं आप नीचे में एक पत्ती लगी है जिसके अंदर एक डंडी छोटी सी है, ये आपके ऊपर इस पत्थर के ऊपर से आकर ये नट में कसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कसा हुआ है। तो इसके अंदर जो ये नट लगा है, ये पत्ती लगी है, तो ये पत्ती को उसने चेंज नहीं किया, आप देख सकते हो पत्ती पुरानी ही कसी हुई है, दाहिने तरफ आपके ये नट भी लगा हुआ है वहाँ पे, और इस तरफ ये पत्ती लंबी लगी है, ये पत्ती आप देख सकते हैं बुरी तरह से जली हुई है, देखिए पत्ती जल गई है पूरी तरह से, और इसी वजह से ये काम नहीं कर रही है। अब होता क्या है, अब होता क्या है, इसकी जो पत्ती है दोस्तों, ये पत्ती गर्म हो करके ये काम नहीं कर रही है। इसका कारण यही है कि ये इसका काम है कि मतलब ये गर्म हो तो ये ऊपर चली जाए और ठंडी हो तो ये नीचे आ जाए। इसके अंदर जो डंडी आप इस तरह से देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि मतलब वो ऊपर जाए और ये नीचे आ जाए, ठीक है। अभी ये इस तरह से काम नहीं कर रही, इसका कारण ये है कि वो पत्ती गर्म हो करके वो पुरानी हो गई है, वो जल गई है, जलने की वजह से उसकी जो ताकत होती है कि ऊपर ना आए और ठंडे होकर के नीचे आ जाए, गर्म होकर ऊपर चला जाए, तो वो फंक्शन इसका जो होना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गलती इसकी थर्मोस्टेट डालने वाले से गलती यही हुई है कि उसने इसका नीचे की पत्ती चेंज नहीं किया। ये थर्मोस्टेट के साथ में पूरा ही आता है, ठीक है। आप जब थर्मोस्टेट खरीदने जाएंगे तो आपको ये सारा सामान मिलेगा, आप बोलेंगे थर्मोस्टेट दे दो तो उसके अंदर सारा सामान मिलेगा, पर उसने क्या किया कि उसको नहीं चेंज किया, केवल ऊपर का थर्मोस्टेट चेंज कर दिया, सोचा कि क्या चेंज करना है इसको, तो यही गलती हुई है। चलिए अभी मैं आपको इसके अंदर नया चेंज करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखिए अब ये पूरी तरह से काम कर रहा है, ये ऑफ भी हो रहा है और ये ऑन भी हो रहा है, यानी कि थर्मोस्टेट पूरी तरह से काम कर रहा है। तो हम चलिए हम डालते हैं इसके अंदर नया थर्मोस्टेट की पत्ती। तो चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं, इसके पत्ती को खोलते हैं और दूसरी नई पत्ती लगाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने इस मेन को निकाल लिया है, क्योंकि अगर प्लग हमारा लगा रहेगा तो हमें करंट लग सकता है, इसलिए हमने इसको निकाल के रख लिया है। बाद में जब हम इसको लगाएंगे तो अब इसको चेक करने के लिए हमें लगाना होगा इसको। इसको खोलने के लिए दोस्तों हमें पूरा नहीं खोलना है इसकी प्लेट को, पत्ती को, हमें क्या करना है ये दोनों पेंच हैं इसको हमें खोल लेना है। खोल लेंगे हमारा निकल जाएगा, और इसके साथ ही हमें इधर का एक पेंच लगा हुआ है इसको भी हमें खोलना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इसे। आप इस तरह से स्पेस को खोल लीजिए, तीनों पेज हमारे खुल गए हैं। इसके साथ हमें इसके इधर वाला पेज भी हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक तार आकर के यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ कनेक्ट है, इसकी वजह से ये खुल नहीं रहा है, तो इसे भी हमें खोलना पड़ेगा। इसको भी हम खोल लेंगे, पेजों को आप संभाल के रखें क्योंकि दोबारा लगाना भी है इन्हें। देखिए इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। जब भी आप नया लेंगे, आप जब भी थर्मोस्टेट नया लेके आते हैं दोस्तों, तो आपको क्या मिलता है, ये जो पत्ती होती है ये पूरी इस तरह से सीधी होती है, इस तरह से बिल्कुल सीधी होती है। आपको क्या करना है, जब लेके आएंगे नया ये थर्मोस्टेट टीओपी लाते हैं तो आपको इसको इस तरह से टेढ़ा कर लेना है थोड़ा सा, देखिए इस तरह से आपको टेढ़ा कर लेना है इसको, ताकि क्योंकि इसके ऊपर जब नीचे की पत्ती उठने के लिए हमें इसके ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए, तभी जा करके ऊपर आएगी, फिर उसको इसको नीचे खींचेगी, ठीक है। तो ये तरीका आपको करना है जब नया लाते हैं। तो ये हमने पहले कर रखा है, इसको रखते हैं साइड में, और हमें इस पत्ती को खोलना है। आप देख सकते हैं नीचे ये पत्ती लगी हुई है, इसको हमें खोलना है। इस पर भी आप ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि ये जो डंडी हमारी लगी हुई है, इस डंडी के अंदर जिस तरह से लगा है वैसे ही आपको इसको लगाना है। और ये भी आपके जब आप थर्मोस्टेट खरीदते हैं बाज़ार से, तो आपको इसके साथ में ये डंडी भी, इसके अंदर जो पेंच लगा हुआ है, ये मतलब ये बोल्ट कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो जो आपको अच्छा लगे,
इसके साथ ही मिलता है, थर्मोस्टेट के साथ ही मिलता है। तो हम इसको खोलेंगे और इसके साथ ही ये भी खुल जाएगा, और लगाते समय हमको इसका ध्यान रखना है और इसको जैसे लगा हुआ है वैसे ही हमें इसे लगाना है। चलिए खोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप इस तरह की ये डंडी होती है, ये और ये हमारी पत्ती है। ठीक है, आप देख सकते हैं वैसे इसकी डंडी जो है ये भी ख़राब हो गई है, लगभग ये कट गई है, लेकिन फिर भी ये कुछ दिन तक चल सकती है अगर हमारे नए के साथ नहीं मिलता है या खो जाता है, कुछ भी हो जाता है। और ये पत्ती लेकिन आप देखेंगे ये जल गई है, पूरी तरह से काली हो गई है, पूरा ये ख़राब हो गई है। इसको ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। जब भी आप थर्मोस्टेट चेंज करते हैं तो इस पत्ती को प्लांचा मॉडल के अंदर ये पत्ती ज़रूर लगी होती है, आपको इसको ज़रूर चेंज कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं साइड में और नया इसमें लगाते हैं। दोस्तों यही है वो पत्ती जो कि हमारे थर्मोस्टेट जब हम ये ख़रीदने जाते हैं, नया लेते हैं, तो उसके साथ ही ये मिलती है। और ये जो डंडी है ये भी नई मिलती है, लेकिन ये भी हम इसी को चलाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं आई है, ये चल जाएगा इसके अंदर, तो हम इसी को लगाने वाले हैं। चलिए इसको सेट करते हैं, कैसे सेट करेंगे और कैसे इसको आपको मैं चेक भी करके दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। इसको इस तरह से हमें फंसा लेना है, क्योंकि हमने ऐसे ही इसको निकाला था। ठीक है, इसको ऐसे ही फंसा लेना है, देख लीजिए दोस्तों। ये जो पत्ती है इसको लगाने का आपका ये एक तरीका है इसको लगाने का, अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो सही से काम नहीं करेगा। तो इसको कैसे लगाना है मैं आपको बताऊं। ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक तरफ प्रिंट नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, ये कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, हो ना हो आपके मतलब का ना हो ये लिखा हुआ, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट है, एक तरफ लिखा हुआ है कुछ और एक तरफ लिखा हुआ नहीं है। तो जो ये लिखा हुआ है ये हिस्सा आपको ऊपर करना है, ठीक है, जब आप इसमें लगाएंगे तो इस हिस्से को आपको ऊपर करना है, तभी ये काम करेगा। अगर आप इसको इस तरह से लगा देंगे तो ये उल्टा काम करने लग जाएगा, जहाँ आपका प्रेस ऑटो कट काम करना चाहिए वहाँ ये चालू ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा फिर। तो आपको इस तरह से लगाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसका पेंच लगाएंगे अब हम लोग, ये वार्सल के साथ लगेगा, ये वार्सल लगा हुआ था इसमें, इसको हमें ऐसे ही इसमें कस लेना है। दोस्तों इसकी पत्ती को हमें अच्छे से टाइट कर लेना है, और जो जो हमने पेंच इसमें से कसे थे वो सभी पेंचों को हमें उसी तरह से कस देना है, और इसके थर्मोस्टेट को भी जैसे सेटिंग था पहले वैसे ही इसको सेट कर लेना है। हमने इसके पेंच को भी खोला था दोनों को, हमें इसको भी लगा लेना है। ठीक है, और ये पत्ती हमने निकाला था जो एलिमेंट के ऊपर गया हुआ है नीचे से आकर के थर्मोस्टेट से, इसको भी हम लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारा ये कनेक्शन इसका कंप्लीट हो गया है, यहाँ से हमने सारी पत्ती वगैरह अब लगा ली है अपनी। ठीक है, ये हमने खोला था, इसको खोला था, ये खोला था, ये खोला था और ये खोला था। ठीक है, और ये भी खोला था हमने बीच वाला, तो हमने इसका कनेक्शन कर लिया है, ये अच्छे से इसका हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसके हम थर्मोस्टेट को सेट कर लेते हैं। अब बात आती है कि इसकी सेटिंग कैसे होगी, सेटिंग कैसे करेंगे हम, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इसके थर्मोस्टेट करने का तरीका बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको फिर चेक करके दिखाऊँगा। ये जो आपकी पत्ती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो घूम रहा है पूरा, ये इस तरह से घूम रहा है, आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे कर लेना है ऐसे। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको सेट करने का, ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती इसको सेट करने चलाने इसको सेट करने में। तो अभी हमारे ये पत्ती ये बिल्कुल कट है, इसके ऊपर आ गया है बिल्कुल पत्थर के, जो हमारे आगे वाला थर्मोस्टेट के अंदर पत्थर है उसके ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके नट को हम धीरे धीरे कसेंगे। ठीक है, इसको इतना कसेंगे कि आपका ये जो नीचे की पत्ती है इसके अंदर इसकी जो ऊपर के ये बिंदी टाइप की जो लगी हुई है इसमें वो कॉपर का वो सट जाए उसके अंदर। ठीक है, तो हमें इसको इस तरह से कसना है। ठीक है, ऐसे करके हम इसमें कस लेंगे। ये प्रेस पहले गर्म कर दिया था मैंने, इसलिए अभी भी ये गर्म हो रखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये इसके अंदर ये सट गया है, ये अब सट गया है। और अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा
देख सकते हैं पूरा ये सट गया है, इसकी पत्ती ऊपर की और नीचे की सट गई है। अब ये हमारा ये सेट हो गया है। अब रहेगी बात कि इसके अंदर ये जो हमारे जो इसके ऊपर जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, तो आपको इसको शुरू में ही लगा लेना है। जिसकी डंडी ऐसे निकली रहती है प्लांचा प्रेस की, उसको आपको शुरू में ही इसको लगा लेना है, जहाँ से शुरुआत होगी यहीं से शुरुआत होगी। अब अगर उसको लास्ट में कर देंगे तो आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इधर ही करके करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर लगाएंगे और ये अभी हमारा ये सेट है। चलिए मैं आपको इसको चेक करके चला करके दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा है। इसके मेन वायर को लगाएंगे हम बोर्ड में और इसको ऑन कर लेंगे। देखिए थर्मोस्टेट हमने सेट कर लिया है, कनेक्शन भी इसका हो गया है, लेकिन अभी इसकी लाइट ये जल नहीं रही है, आपका इंडिकेटर ये काम नहीं कर रहा है, हमने बटन भी ऑन कर रखा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये जो रेगुलेटर है हमारा ये, इसको क्योंकि ये पूरी डंडी के ऊपर लगा हुआ है अच्छे से, ठीक है, तो हमें आपको हल्का सा यहाँ पे चालू कर लेना, चालू करने की स्थिति में इस तरह से ऑन करना है, क्योंकि ये जो थर्मोस्टेट जो हम सेट करते हैं तो जब ये इस इतने पे आएगा तो ये बंद हो जाएगा। हमारे प्रेस के अंदर वो जो ऊपर से आपको रेगुलेटर टाइप का दिखता है वहाँ से हम इसको चालू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, पूरा बंद करना हो तो यही उसका फंक्शन है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे और ये हमारा ये इंडिकेटर जलेगा। अब ये प्रेस गर्म हो रही है, ठीक है, अब गर्म हो रही है तो उसके बाद में ये कैसे काम करेगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये अपने आप ऑफ होगा और थोड़ी देर के बाद भी ये ऑन भी हो जाएगा अपने आप ही, तब ये इसका मतलब अगर इस तरह से काम करता है तो आप समझिएगा कि हमारा ये प्रेस अच्छे से काम कर रहा है, बढ़िया से वर्किंग में है। और इस तरह से अगर काम नहीं करता है तो आप समझिए कि प्रेस वर्किंग में नहीं है। आप लोग जब प्रेस का काम करेंगे सीख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मिस्त्री हैं थोड़ा बहुत काम जानते हैं वही करें, ठीक है। ये कोई भी लेकर के ना बैठ जाए कि लाओ जी हम ही करते हैं, ले आके दुकान पे करवा लीजिएगा अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो, नहीं तो जो बचा खुचा प्रेस है वो भी चला जाएगा हाथ से। प्रेस तो हमारा काम कर ही रहा है, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, फ़ोन को सीधा करके सब्सक्राइब की बटन दबा लो और वीडियो को लाइक कर दो, और जब वीडियो पूरा हो जाए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अभी के अभी देख सकते हैं अब ये काम कर रहा है, ये ऑफ हो गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको इसका कनेक्शन वगैरह कर लेंगे बाद में। अब ये काम कर रहा है बढ़िया से, हमारा थर्मोस्टेट सेट हो गया है और ये थोड़ी देर के बाद में अब ये ऑन भी हो जाएगा। जैसे ठंडा होगा जब प्रेस करते हैं तब ये ठंडा होता है और थोड़ी देर के बाद में ये ऑन भी हो जाएगा। देख लीजिए ऑन भी हो गया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।